वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने की घटना के 2 साल बीत जाने के बाद देश भर में 700 से ज्यादा जिलों में किसानों ने पुतला फेंक कर अपने गुस्से का इजहार किया है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर महेश कुमार। देश भर में मंगलवार के दिन किसानों ने काला दिवस मनाने का काम किया। 2 साल पहले लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों का ये विरोध देखने को मिला। देश भर में तमाम अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में ये विरोध दर्ज करवाया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किसान करते नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए कि देश भर में तमाम अलग अलग जिलों में किसानों ने आज काला दिवस मनाने का काम किया है, वजह क्या है? वजह है 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी यूपी के अंदर किसान एक कुश्ती प्रोग्राम देखने के लिए जा रहे थे शांतिपूर्वक, और वहां का बीजेपी का जो राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा उर्फ तेनी, उसका नौजवान बेटा गाड़ी लेकर के आता है, निहत्ते किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंद करके हमारे 4 किसान भाई और एक हमारे पत्रकार भाई को रौंद करके मार दिया। आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को बेलेबल धाराएं लगा करके बीजेपी वालों ने छोड़ दिया सड़क के ऊपर, और उस उपद्रव के अंदर जो आक्रोशित भीड़ ने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया, वहां पर आगजनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा, वो किसानों के ऊपर थोप करके हमारे 50 किसान भाइयों के ऊपर खतरनाक धाराएं लगा करके उनको जेल में डाल रखा है। इससे गलत बात हमारे साथ और घटना हो नहीं सकती। इसके विरोध स्वरूप देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के आह्वान पर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर काला दिवस मनाते हुए देश के किसान मजदूर विरोधी तानाशाही हिटलर शाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और किसानों को रौंद करके मारने वाले हत्यारे अजय मिश्रा उर्फ टेनी गृह राज्य मंत्री का पुतला जलाने का काम हिसार के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। जब तक लखीमपुर खीरी के हमारे शहीद किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, किसानों को कुचलने वाले अजय मिश्रा उर्फ टोनी और उसके बेटे को जेल में नहीं डाला जाएगा, हमारे 85 किसान भाइयों को जो बेकसूर भाई गलत दवाएं लगा करके आंदोलन को दबाने के लिए और बदले की भावना से राजनीतिक विद्वेष से बीजेपी वालों ने जेल में डाल रखा है लखीमपुर प्रकरण को लेकर के, उनको जब तक बरी नहीं किया जाता देश का किसान शांति से नहीं बैठेगा। संयुक्त किसान मोर्चा आगे की जो रणनीति बना करके चलेगा। हम हमारे शहीद किसान भाई और 5वां पत्रकार भाई को न्याय दिलाने के लिए इसी प्रकार सड़कों के ऊपर रहेंगे, लड़ाई को जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। चलिए मुझे ये बताएं कि हिसार में किस तरीके से विरोध दर्ज करवाया गया, किस तरीके से काला दिवस मनाया गया? ये देखिए आगे, ये आज काला दिवस ही तो मना रहे हैं। यहाँ जो है प्रधानमंत्री और जो है अजय टोनी का जो है ये पुतला फूका गया है, और जो है यहाँ पे इसलिए कि भाई उन जो हमारे किसान जो है 4 शहीद हुए और एक जो पत्रकार भाई शहीद हुआ उनको न्याय दिलाने के लिए, और जो हमारे किसान जो है वह 50 किसान जो है जेल में डाले हुए हैं विभिन्न धाराओं के तहत, उनको रिहा करने के लिए, और इसको अजय टोनी मिश्रा और इसके पुत्र को जब तक सजा नहीं मिल जाती ये जो कार्रवाई ऐसे चलती रहेगी, और ये काला दिवस भी, और जो आज हम ज्ञापन भी देना हाँ, आज ये सिर्फ काला दिवस मना रहे हैं और पुतला फूका है, और ऐसे ही ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक जो है हमारे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता। चलिए काला दिवस मनाकर किसानों ने अपने गुस्से का इजहार किया, 750 जगहों पर ये विरोध दर्ज करवाया गया है। सरकार के खिलाफ किसान की गई कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार टोटल।